हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था कि देर आर टू फॉर्म्स इन विच वी नीड टू यूज़ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वॉज इफ़ इट इज़ एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स। अगर आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन मिले आपको कि इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, देन आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा। एंड अनदर केस वॉज इफ़ इट इज़ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स और मोर फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन मल्टीप्लिकेशन, थ्री और मोर देन थ्री आर इन्वॉल्व इन मल्टीप्लिकेशन, तब भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जब भी ये दोनों चीज़ें आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी तो यू हैव टू यूज़ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, स्पेशली व्हेन देयर विल बी अ फंक्शन रेज टू द पावर सम फंक्शन, देन यू विल हैव टू यूज़ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वी नीड टू नो इज़ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, कई बार क्या होता है, लेट अस सपोज हमें कोई फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है। ओके, कई बार ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है फंक्शन की कि एफ एक्स की फॉर्म में एक पूरा फंक्शन गिवन है एंड दैट इज़ गिवन इक्वल्स टू वाई। बट कई बार क्या होगा कि एक फंक्शन को हम किसी पैरामीटर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, दैट इज़ एक्स इज़ डिफाइंड इन दैट पैरामीटर एंड वाई इज़ डिफाइंड इन दैट पैरामीटर। जैसे मैं किसी फंक्शन के लिए क्या कहूँ, एक्स इज़ इक्वल्स टू साइन टी एंड वाई इज़ इक्वल्स टू कॉस। ओके, वाई हेयर इज कॉस टी एंड एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी। तो दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है, वेयर टी इज़ अ पैरामीटर, टी हेयर इज कॉल्ड पैरामीटर। टी अपने आप एक पैरामीटर है जो डिफाइन कर रहा है एक्स को भी और वाई को भी। है ये सेम कर्व जिसके जिस तरह की कर्व ये वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, बिल्कुल उसी तरह की कर्व है ये। बट पैरामीटर क्या क्या क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी, टी की फॉर्म में एक्स डिफाइंड है और टी की फॉर्म में वाई डिफाइंड है। अगर आपको याद होती है किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल, बिकॉज सर्कल की लेट अस सपोज इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू वन, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू वन। ये सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है जिसका रेडियस कितना है, वन है। ओके, तो इस तरह से हम एक फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स विल बी सेपरेटली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी एंड वाई विल बी सेपरेटली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी। तो इस तरह की फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने का मतलब हमें पता है कि दैट इज़ सिंपली इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। बट वाई किस पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है, टी की फॉर्म में, और एक्स भी किस पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है, टी की फॉर्म में। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट इट लाइक डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, मतलब क्या है, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। सिंपली क्या होगा, आप वाई को डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी, एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन अगर आपने क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई पता करना है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी टी। आप एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी और आप वाई को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी। ओके, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी एंड अपॉन डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू एफ डैश एक्स अपॉन या से बोल सकते हैं एफ डैश, अगर हम इसे चलो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, दिस विल बी डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर आप इस फॉर्म में देखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन टी टी। वट विल बी डी वाई अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, कॉस टी की डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन टी अपॉन
डी एक्स अपॉन डी टी एक्स की डिफरेंशिएशन यानी कि साइन टी की डिफरेंशिएशन, तो दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस टी, तो दैट विल बी माइनस टैन टी, तो दैट विल बी अवर आंसर। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस टी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन टी, तो आंसर विल बी माइनस कॉट। ओके, तो दिस इज़ हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शन व्हेन दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन अदर पैरामीटर, जब आपको किसी और पैरामीटर की फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो हाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट एक्स। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लेट अस सपोज देयर इज अ क्वेश्चन एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस टी इन टू साइन टी एंड वाई इज इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, या गिवन होगा आपको कि डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ व्हाट इज ए इज कांस्टेंट ओवर हियर, गिवन ए इज कांस्टेंट एंड टी इज पैरामीटर, टी पैरामीटर गिवन है हमें और ए क्या गिवन है कांस्टेंट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी पता करोगे, आप डी वाई अपॉन डी टी पता करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी टी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू ए, ए कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, साइन टी की डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस इन दोनों पे क्या लगेगा अभी प्रोडक्ट रूल, तो टी इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और टी की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी वन, तो दैट विल बी अवर आंसर। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू ए टी साइन टी। ओके, तो उसी तरह से आपको क्या पता करना पड़ेगा, आपको डी एक्स अपॉन डी टी पता करने का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए कॉस का क्या आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस इनमें क्या आएगा, देर विल बी प्रोडक्ट रूल टी कॉस टी प्लस साइन टी, तो दिस विल बी ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो दैट विल बी ए टी कॉस टी। तो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, तो टी से टी कैंसिल, ए से टी कैंसिल, तो दैट विल बी इक्वल्स टू टेन टी, दैट विल बी इक्वल्स टू टेन टी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर इन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अनदर क्वेश्चन दैट वी कैन सी ओवर हियर इज एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज अ गिवन पैरामीटर। लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, वाई इज इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द गिवन पैरामीटर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सेम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा पता करने के लिए आपको ए, ए कॉन्स्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा फंक्शन कौन सा है, टेन थीटा एक बड़ा फंक्शन है जिसका स्क्वायर हो रहा है, तो मींस आपको एक वेरिएबल के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू टू टेन थीटा इन टू डेरीवेटिव ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का डेरीवेटिव क्या रहता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू टू टेन थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा,
एंड सिमिलरली डी एक्स अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल्स टू ए एज इट इज़ टू सीकेंड थीटा, ठीक है, ए एज इट इज़ देन इट विल बी टू सीकेंड थीटा, एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड थीटा, दैट इज सीकेंड थीटा टैन थीटा, ओके. तो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू टू टैन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वेयर थीटा अपॉन ए इंटू टू इंटू सीकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू टैन थीटा, तो टैन टैन सीकेंड स्क्वेयर, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू वन, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू वन. तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, वन आ रही है. ओके, तो दिस इज हाउ टू कैरी आउट द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. नो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हो फॉर हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, फॉर हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन. उसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से चलते हैं. डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ओके, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन वाई है विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड देर इज़ अनदर फंक्शन जेड विच इज़ इक्वल्स टू जी एक्स. मतलब वाई एक एक्स के अंदर फंक्शन है, एक्स वेरिएबल है, जिसमें जेड भी एक फंक्शन है जिसके अंदर एक्स वेरिएबल है. देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स इज गिवन बाय, इज गिवन बाय डी वाई अपॉन डी जेड, यही होगा. डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन जेड डी जेड, और दोनों किस फॉर्म में गिवन है, एक्स की फॉर्म में, तो दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स. ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स. ओके, तो अगर आपको कोई दो फंक्शंस गिवन है और आपको दोनों का एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन पता करना है, तो सिंपली यू नीड टू फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी कि एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, डिवाइड बाय दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, दैट विल बी अवर आंसर. तो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, दैट विल बी अवर आंसर. ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे हाउ टू कैरी आउट दिस. लेट अस सपोज हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू द पावर एक्स. ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू द पावर एक्स. तो हम इसे क्या मान लेंगे वाई और इसे क्या मान लेंगे जेड. तो मतलब एक्चुअल में हमने क्या पता करना है, डी वाई अपॉन डी जेड विच विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स. ओके, तो सबसे पहले वाई इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर टेन एक्स. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी हमें, दिस इज़ एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, तो मतलब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ वाई, तो दैट विल बी इक्वल्स टू टेन एक्स इन टू लॉग ऑफ एक्स. ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स. सो ओके, तो विद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके, सो कैरी आउट दिस डिफरेंशिएशन. लेट अस सपोज यहाँ पे नेचुरल लॉग है तो मींस बेस ई, तो इसका बेस भी क्या आएगा, ई आएगा. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था लॉग के कंसेप्ट में कि इफ लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर बेस बेस ए इज इक्वल्स टू वाई, तो दैट मीन्स ए रेज टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स,
एक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर वाई, तो सिमिलरली वाई विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर टेन एक्स इन टू लॉग ऑफ एक्स. ओके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी फाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर समथिंग, तो ई रेस टू द पावर समथिंग ही होता है टेन एक्स इन टू लॉग ऑफ एक्स. और फर्दर प्रोडक्ट रूल से, चेन रूल से क्या होगा इस चीज़ का डिफरेंशिएशन. तो सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज़. लॉग एक्स के लिए सबसे पहले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग एक्स इन टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स. उसी तरह से आपको क्या पता करना है, डी जेड अपॉन डी एक्स. डी जेड अपॉन डी एक्स पता करने के लिए जेड इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स है, तो लॉग ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ एक्स. तो वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगी, वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इन टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, वन, तो दैट विल बी वन प्लस लॉग एक्स. दिस इम्प्लाइज डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है ये दोबारा समझाते हैं हम, डी जेड अपॉन डी एक्स, जेड इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स, तो लॉग जेड विल बी एक्स इन टू लॉग एक्स, तो वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव वन, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू वन प्लस लॉग एक्स. तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड इन टू वन प्लस लॉग एक्स, तो एक्स रेज टू द पावर एक्स इन टू वन प्लस लॉग एक्स. ओके, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी जेड विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टेन एक्स इन टू लॉग ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स इन टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर एक्स इन टू वन प्लस लॉग होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर एक्स इन टू वन प्लस लॉग. सो दिस इज वट इज द डिफरेंशिएशन विद ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन. ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है, हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन. तो आज हमने पढ़ा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से शुरू किया, पैरामेट्रिक के अगर फंक्शन किसी पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है तब आपने कैसे करना है. सेकंड, कि अगर आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, तो देन हाउ टू प्रोसीड इन दैट केस. ओके, तो एक और एग्जांपल से चलेंगे. ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसे समझने के लिए. डेरिवेटिव ऑफ फाइंड, प्रूव दैट, क्वेश्चन इज प्रूव दैट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ. प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ओके, तो लेट अस सपोज दिस इज वाई दिस इज जेड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ई रेज टू द पावर साइन एक्स इन टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट. उसी तरह से वट विल बी डी जेड अपॉन डी एक्स, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स इन टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट. कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और उसमें अगर एक नेगेटिव आ जाएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव. ओके, तो डी वाई अपॉन डी जेड विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स इन टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और डिनोमिनेटर में ये चीज़ आएगी तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो हैंज वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा. तो नाउ दिस थिंग विल बी ई रेज टू द पावर
साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, तो दैट मीन्स एंड व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। ओके, और जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ोगे तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो हेंस अवर आंसर इज पाई बाई टू विच डज नॉट इंक्लूड एनी एक्स, इसमें कोई एक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट मीन्स डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ ई रेस टू द पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेस टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हेंस ट्रू। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड लेवल पर आपको इस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। देन विल गो टू द अनदर काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं अपने पास, एक्सप्लिसिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो स्पेलिंग है IMPLICITEXPLICIT, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस हम उनको बोलते हैं वेयर एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड सेपरेटली। इम्प्लिसिट है वेयर दे आर नॉट सेपरेट। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। तो अब ये क्या है, एक्स और वाई क्या गिवन है हमें, मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है, दे आर नॉट सेपरेटेड, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट फंक्शन, वी विल कॉल इट एज इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसी को क्या लिख दूँ, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन गिवन है, देन इट विल बी इम्प्लिसिट। अगर मेरे पास वाई इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट गिवन है, तो दैट मीन्स इट्स एन एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाता है। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं हाउ टू एक्सप्लेन द डिफरेंशिएशन ओवर हियर। इफ एक्स रेज टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। नेचुरल लॉग का मतलब अगर आप देखना चाहो तो दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस ई। नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग ऑफ एक्स बेस ई। ओके, तो अभी ये एक्स और वाई क्या है, मिक्सड फॉर्म में गिवन है, दे आर नॉट सेपरेटेड, तो मीन्स दिस इज अ इम्प्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शन। तो इम्प्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं, सबसे पहले कि या तो आप उसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर आप डिफरेंशिएट कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दैट विल बी इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ ई बेस ई, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू वन, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू वन। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स नाउ, या हम क्या करेंगे, हम y को अगर हम एक्सप्लिसिट बना लें इस फंक्शन को, तो देट विल बी क्वाइट ईजी। तो y इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, तो y लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x, दिस इम्प्लाइज y इंटू वन प्लस log x इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन वन प्लस log x। ओके, तो अब ये आपको क्लियर कट एक डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन तैयार मिल गया जिसमें y अलग है और x क्या है अलग है। तो हर बार आपने क्या करना है, उस गिवन फंक्शन को आप ट्राई करो, कंपैरेटिवली इजी अप्रोच है कि आप उस फंक्शन को y और x में सेपरेट करो। ओके, तो नाउ dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू
ये क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नहीं ऊपर क्या आएगा, वन प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो दिस थिंग विल बी वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। ऑब्वियसली बेस ई है, क्योंकि हर एक पार्ट में, हर एक लॉग में, एक क्वेश्चन में बेस ई है। तो आंसर विल बी लॉग एक्स बेस ई अपॉन वन प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज हाउ टू ट्रीट द इम्प्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शंस व्हेन एक्स एंड वाई आर नॉट सेपरेटली एक्सप्रेस्ड। ओके, व्हेन एक्स एंड वाई आर नॉट सेपरेटली एक्सप्रेस्ड। ओके, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, हमने अभी अभी देखा कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ये आपने याद रखना है। मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने ये एक्सप्लोर किया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। कई बार क्या होगा कि आपको एक फंक्शन के अंदर डी एक्स अपॉन डी वाई पता करना ईजी लगेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है, तो आप पहले डी एक्स अपॉन डी वाई पता कर लो और उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो लेट अस सपोज देर इज अ क्वेश्चन, इफ साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इफ साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता हूँ, साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। ओके, तो अब मेरे पास ये एक्सप्लिसिट बन चुका है फंक्शन, वाई वेरिएबल था, वाई को मैंने अलग कर लिया, एक्स वेरिएबल था, एक्स को अलग कर लिया। अब अगर मैं वाई को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँगा, डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स पता करने की कोशिश करूँगा, तो दैट विल बी कंपेरेटिवली लेंथी अप्रोच। तो मैं यहाँ पे क्या पता करता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई, और उसको क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल। तो डी एक्स अपॉन डी वाई पता करने के लिए ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो सिमिलरली साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, और ऊपर क्या आएगा, साइन ए प्लस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ साइन वाई दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस वाई, माइनस साइन वाई एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ साइन ए प्लस वाई दैट विल बी कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ ए प्लस वाई दैट विल बी इक्वल्स टू वन वाई। ओके, तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ गया अपने पास, दैट बिकम्स साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। ओके, तो इस तरह से भी आप इम्प्लिसिट फंक्शंस में काम कर सकते हो। जब आपको एक वेरिएबल एक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप डी एक्स अपॉन डी वाई पता कर लो, फिर आप उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ओके, लेकिन अगर आप वाई की फॉर्म में इस क्वेश्चन में, जैसे हम वाई को अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बी कंपैरेटिवली लेंथी टास्क, वो बहुत ज़्यादा एक लेंथी टास्क बन जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्स पता कर लिया, तो इफ़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डी एक्स अपॉन डी वाई, तो दैट विल बी कंपैरेटिवली ईजी। ओके, सो दिस इज हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शंस। कि तो एक बार आप क्वेश्चन एक दो ट्राई कीजिए इम्प्लिसिट फंक्शंस के, इफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, इफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके अब इसको थोड़ा सा इजी तरीका करने का मैं आपको हिंट देता हूँ। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओगे तो दैट विल बी कंपैरेटिवली लेंथी। मैं आपको छोटा सा अप्रोच देता हूँ। क्या करो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन फाई। लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन फाई। जब आप एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा रखोगे और वाई को साइन फाई रखोगे और एक्स को साइन थीटा साइन फाई रखोगे, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप ट्राई करना ये चीज़। ओके, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे। थैंक यू।